दोस्तों आइए आज आपको लिए चलते हैं भारतीय नौसेना के सबसे विशाल विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर। आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारा ये वादा है कि यह यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय साबित होगी। हमारी मोटरबोट अब विक्रमादित्य की ओर चल पड़ी है। इस 360 वर्चुअल रियलिटी या आभासी वास्तविकता वीडियो में आपको जहाज पर स्वयं होने का एहसास होगा। आप अपने स्मार्टफोन को घुमाकर या उसकी स्क्रीन को अपनी उंगलियों की मदद से ड्रैग करके इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही काम आप अपने माउस पॉइंटर की मदद से भी कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि आप किसी 360 VR संगत वीडियो प्लेयर जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करें। यदि अब आप उगते हुए सूरज की दिशा में देखेंगे तो आपको विक्रमादित्य की पहली झलक मिलेगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है और जहाज का विशिष्ट छाया चित्र इसे स्वतः अपनी एक अलग पहचान देता है। विक्रमादित्य भारतीय नौसेना में नवंबर 2013 में कमीशन हुआ था। इस विमान वाहक युद्धपोत का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ है। इसकी तुलना आप 11 फुटबॉल के मैदानों से कर सकते हैं। केवल इसका फ्लाइट डेक यानी कि ऊपरी सतह ही 1.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर की है। जहाज की अधिकतम चौड़ाई लगभग 60 मीटर की है, यानी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इस पे समा जाएगा। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना द्वारा संचालित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका लोड विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। मान लीजिए 7,500 अफ्रीकी हाथी यदि एक साथ खड़े हो जाएं, तो इतना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जहाज पर चढ़ने से पहले क्यों ना हम इसके चारों ओर एक चक्कर मार लें। विक्रमादित्य की ऊंचाई 64 मीटर है, 10.5 मीटर पानी के नीचे और करीब 53.5 मीटर पानी के ऊपर, यही कोई 15 मंजिल इमारत के बराबर। यह 284 मीटर लंबा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि उसेन बोल्ट को भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ना हो तो उसे 28 सेकंड लग जाएंगे। यहां पर किसी भी वक्त 1600 से 1800 नौसैनिक कार्यरत रहते हैं और इसीलिए विक्रमादित्य को समंदर पर बसा एक शहर कहना गलत नहीं होगा। रहन सहन की अच्छी सुविधाएं और प्रभावी कार्यशैली इस जहाज की विशेषताएं हैं। कुछ ही देर में विक्रमादित्य के दिवस अधिकारी और उनकी पाइपिंग पार्टी द्वारा आपका जहाज पर स्वागत किया जाएगा। पाइपिंग विश्व भर की नौसेनाओं द्वारा निभाए जाने वाली एक बहुत पुरानी परंपरा है। उस पारंपरिक स्वागत के पश्चात अब हम फ्लाइट डेक के पिछले छोर पर पहुंच चुके हैं। वो फहराता हुआ झंडा जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, वह है नौसेना का प्रतीक। इसे नेवल एनसाइन कहा जाता है। यदि आप झंडे से बाईं तरफ कैमरा घुमाएंगे तो आपको पूरी हवाई पट्टी नजर आएगी। यह रनवे वही दृश्य है जो एक MiG-29 फाइटर पायलट उड़ान भरने से पूर्व देखता है। शायद आप पहले से जानते होंगे कि विक्रमादित्य MiG-29 मारक विमान उड़ाता है। यह MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट ध्वनि की गति से 1.5 गुना तेजी से उड़ते हैं। अगर आप रनवे की बाई ओर देखें तो आपको AK-630 गन का बुर्ज नजर आएगा।
इस प्रकार के बुर्ज जहाज पर कई जगह देखने को मिलते हैं। AK-630 गन उन कई अस्त्र शस्त्रों में से एक है जो कि विक्रमादित्य पर लगे हैं। दुश्मन के युद्धपोत और मिसाइल्स की तो खैर नहीं। फ्लाइट डेक के पिछले छोर में अरेस्टर वायर स्थापित की गई हैं, जो फाइटर विमान को पोत के विमान तल या फ्लाइट डेक पर लैंडिंग के समय मददगार साबित होती हैं। ये MiG-29 विमान अधिकतम गति से जहाज पर लैंड करते हैं। इसके लिए विमान के पीछे लगे टेल हुक को अरेस्टर वायर पर फंसाया जाता है, जिससे विमान कुछ ही मीटर में पूरी तरह से रुक जाता है। अब आपके सामने है जहाज का वो भाग जो फ्लाइट डेक के ऊपर की तरफ है। इसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। जहाज का ब्रिज इसी सुपर स्ट्रक्चर में स्थित है। सुपर स्ट्रक्चर के पास एक छोटी हवाई पट्टी है। MiG-29 पायलट महज 125 मीटर लंबी इस छोटी हवाई पट्टी को इस्तेमाल करते हुए टेक ऑफ कर लेता है। यह है सुपर स्ट्रक्चर से लगा हुआ जहाज के फ्लाइट डेक का दाहिना भाग, जिसे हम स्टारबोर्ड साइड कहते हैं। विक्रमादित्य और दूसरे युद्धपोतों के बीच राशन, गोला बारूद तथा ईंधन का आदान प्रदान यहीं से होता है। इस काम के लिए यहां पर लगी आफ्ट क्रेन काम में लाई जाती। जहाज की जीवन रक्षा नौकाएं या लाइफ बोट्स भी यहीं पाई जाती। विक्रमादित्य पर मुख्य रनवे के अलावा एक तिरछा रनवे भी है। इस तिरछे रनवे का उपयोग तब करते हैं जब कभी विमान का टेल हुक अरेस्टर वायर में किसी कारण से नहीं फंसता। ऐसे समय में विमान पुनः अपनी गति बढ़ाते हुए फिर से टेक ऑफ कर सकता है। सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो धुआं आप देख रहे हैं, वो विक्रमादित्य के बॉयलर से निकलने वाली भाप है। इस जहाज पर कुल 8 बॉयलर हैं, जिनकी क्षमता 180,000 हॉर्स पावर की है। यह 250 फेरारी F-12 कारों के बराबर है। अब हम स्की जंप पर खड़े हैं। स्की जंप रनवे का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, जो विमान को प्रक्षेपण में मदद करता है। इस स्की जंप की वजह से ही विमान इतने छोटे रनवे से आसानी से उड़ान भर लेते हैं। जहाज जब बंदरगाह में होता है, तब सशस्त्र सैनिक हर दिशा में तीखी निगरानी रखे रहते हैं। इससे कोई घुसपैठ या खुफिया आक्रमण को नाकाम किया जा सकता है। अब हम सुपर स्ट्रक्चर में स्थित ब्रिज के ठीक सामने खड़े हैं। ब्रिज में खड़े विक्रमादित्य के कप्तान और नौचालन दल भी यही नजारा देखते हैं। इस दृश्य से दिल कभी नहीं भरता। सौभाग्यवश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में INS विक्रमादित्य के सभी कार्मिक एकता की शपथ लेने फ्लाइट डेक पर हाजिर हैं। भारतीय नौसैनिक जिन्होंने पहले ही अपना जीवन देश और नौसेना को समर्पित कर दिया है, आज एकता और अखंडता की शपथ भी ग्रहण करने फ्लाइट डेक पर आए हैं। अब हम विक्रमादित्य के हैंगर या आंतरिक विमानशाला में हैं। आज हैंगर में मात्र एक सीकिंग हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। इस विशाल हैंगर के खाली होने का फायदा उठा रहे हैं नौसैनिक। व्यायाम करते दिखाई दे रहे हैं। जब विक्रमादित्य किसी एक्सरसाइज या मिशन पर निकलता है, तो ये हैंगर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों से खचाखच भरा होता है। विक्रमादित्य एक बार समंदर पर निकल पड़ा तो लंबे अरसे तक सेलिंग करता है। इसी कारण पोत पर पूरी तरह सुसज्जित
एक जिम्नेजियम भी है जहां नौसैनिक अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। जिम्नेजियम में नौसेना के क्वालिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद होते हैं। आप सोच ही रहे होंगे कि भाई जहाज पर खाने पीने का क्या? नौसेना को अपने अव्वल दर्जे के बावर्चियों पर नाज है। दिन भर की मेहनत के बाद नौसैनिकों को एक बात की हमेशा गारंटी होती है, गर्मा गर्म स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। विक्रमादित्य 1800 लोगों के लिए 2 महीने का राशन लेकर निकलता है। प्रति माह तकरीबन 15,000 लीटर दूध, 25,000 किलो ताजा खाद्य सामग्री तथा 20,000 किलो सूखी खाद्य सामग्री का उपभोग किया जाता है। जहाज पर एक बेकरी है जो प्रतिदिन 5,000 ब्रेड के स्लाइस बनाने की क्षमता रखती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन के राशन की खपत से विक्रमादित्य का वजन 2.5 से 3 टन कम हो जाता है। INS विक्रमादित्य का अपना एक संग्रहालय भी है जहां जहाज का गौरवशाली इतिहास और विरासत संरक्षित है। जहां एक ओर यह ऐतिहासिक दस्तावेजों का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर इस महान पोत का हिस्सा होने के गौरव का भी प्रेरणा कुंज है। तो यह थी इस विशाल युद्ध पोत की मात्र एक छोटी सी झलक। 23 डेक और 2,500 कंपार्टमेंट या कमरे वाले इस शक्तिशाली ध्वज पोत की वजह से ही आज भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नौसेना मानी जाती है। विक्रमादित्य वाकई भारतीय नौसेना का शक्ति स्तंभ और स्वर्णिम गौरव है। आपका आज यहाँ हमारे साथ वक्त बिताना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम आशा करते हैं कि विक्रमादित्य पर होने का अनुभव, जो हमने आभासी वास्तविक या वर्चुअल रियलिटी के द्वारा आप तक लाया, वो सफल रहा। विदा लेने से पहले आप वीडियो को फिर आराम से देख सकते हैं। अपने प्रियजनों और दोस्तों को भारतीय नौसेना के बारे में अवश्य बताएं और हम ये आशा करते हैं कि एक दिन आपसे यथार्थ रूप में मुलाकात का अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, शम नवर्णा।